दो ए का अभाज्य गुणनखंड है और दो बी का अभाज्य गुणनखंड है, यहीं से कंट्रडिक्शन स्टार्ट हुआ। हमने माना था कि ए और बी के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां तो हम जब रूट टू को रेशनल मान रहे हैं, रूट टू को जो परिमेय संख्या मान रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है टू, जो कि एक विरोधाभास को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः रूट टू अपरिमेय संख्या है। इतना स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो आप खुद से कर लीजिएगा, उतना समय का अभाव है। चलिए अब जो है उसी तरह से देखिए, आप खुद से करिएगा इसको। मैंने दिया है रूट फाइव को इरेशनल दिखाना है, खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से आप देखिए, अब थोड़ा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अब अगला प्रश्न जो है उसको थोड़ा समझिए। ये क्या, ये बहुत आसानी से मैं आपको केमिस्ट्री में ही बता दूंगा, है ना? क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना जरूरी है। लिख तो आप परीक्षा में खुद भी लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, तभी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, हमको दिखाना है कि 7√5 को दिखाना है कि सिद्ध करें, यहां पर है सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अभी इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। मैंने पिछले साल 2020 का क्वेश्चन देखा है, 2021 का क्वेश्चन, उससे मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। इसमें कहा जा रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब 4√3 भी दे सकता है, 5√2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप जानिएगा तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग यहां पर ऐसे करते हैं, हम बहुत कम लिख के बता रहे हैं क्योंकि लिख तो आप खुद भी लीजिएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, वही करेंगे कि हमको अपरिमेय दिखाना है, हम परिमेय मान लेंगे। यानी हम लोग यहां पर लिखेंगे, यदि जैसे लिखेंगे, यदि संभव हो तो, मान लिया कि 7√2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर 7√5 को अगर परिमेय मानेंगे तो उसको हमको लिखना पड़ेगा a बटा b के फॉर्म में, जहां पर क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू i। देखिए, ये बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहां पर a और b पूर्णांक है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है। i फॉर इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो a और b पूर्णांक है, और साथ में लिखना पड़ेगा b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो देखिए, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, यही तो परिमेय संख्या होता है। अब यहां से देखिए, तो अगर इसको थोड़ा सा खाली करते हैं, √5 = a/7b, ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ गया। अब आप देखिए कि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, ऊपर में भी इंटीजर है और नीचे में भी इंटीजर है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है तब तो क्या होना चाहिए, यहां पर a भी इंटीजर है और 7b भी एक इंटीजर है, तो उस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए परिमेय संख्या। लेकिन आपको पता है कि रूट फाइव परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, तो फिर से कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। यानी हमारा ऐसा करने से क्या हुआ कि रूट फाइव जो है परिमेय संख्या आ गया, तो लिखेंगे कि यहां पर एक कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा मानना यह गलत है जो हमने माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा आप लिख के सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं एक अंतिम टॉपिक की ओर आ रहा हूं, और ये टॉपिक जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो आप जो है कंप्लीटली इसको कवर कर लेंगे, इस चैप्टर को, ठीक है? तो देखिए, अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कहा जा रहा है इसको समझिए आप लोग। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप 7-8 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे देखिए यहां पर समझिए, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 25 में, ठीक है? तो यहां 4 × 6 = 24 हुआ, 1 बज गया यहां पर, पॉइंट यहां पर दशमलव बैठाए, 0 आया, 4 × 8 फिर दुआया, फिर ऊपर से 0 लेंगे, 4 × 5 = 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 25/4 जो है वो 6.25 के बराबर है, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये कैसा दशमलव है, तो शांत दशमलव है ये। क्या ये शांत दशमलव है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव। लेकिन अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अशांत दशमलव का, तो मान लीजिए कि हम यहां पर 10/3 लेते हैं परिमेय संख्या, 10/3, और 3 से हम 10 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 × 9, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0, फिर 3 × 9, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0, फिर 3 × 9, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0, तो ये 3 3 3 3 आते चला जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 पर एक रेकरिंग साइन दे देते हैं। तो ये होता है अशांत, अशांत इसलिए है क्योंकि ये डॉट 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 कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये अशांत है। और आवर्ती इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर 3 जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती है। क्या ये
अशांत आवर्ती है ये दशमलव, ठीक है, ये अशांत आवर्ती दशमलव है। तो शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है ये आप समझ गए। और मैं एक बात आपको याद रखने के लिए बोलूंगा कि हमेशा याद रखिए, सब बच्चा तो ये बोलता है कि परिमेय संख्या का परिभाषा बताओ, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि ऐसी संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, वो परिमेय संख्या होता है। तो आप थोड़ा डिफरेंट बताइए, आप बोलिए कि परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। ये आप दूसरे स्टूडेंट से हट के बोलिएगा तो आपका फोकस ज्यादा होगा, ठीक है, नॉलेज सारे चीज का रखना जरूरी होता है। तो चलिए अब हमको इसमें तीन थ्योरम और पढ़ने हैं, जिसको अगर हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर जो है उसको हम लोग फाइनल टच देने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये परिमेय वन है, इसको हम अब बोर्ड पे समझा देते हैं क्योंकि स्लाइड पर आप खुद भी पीडीएफ दिया रहेगा, आप खुद से भी पढ़ ले सकते हैं नोट्स को, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये थ्योरम 1.5 है, प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.7, ये तीनों प्रमेय जो है आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी के बुक को हमेशा फॉलो कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कहना है हमारा कि मान लीजिए कि एक्स कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या x है और इसको हमने p बटा q के रूप में व्यक्त कर दिया, हमने x एक परिमेय संख्या है इसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया है, जहां p और q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब है कि p और q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो फैक्टर था हमने उसको काट पीट के छोटा कर दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया हम लोग ने। तो अगर कोई परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यह हम बिना भाग दिए भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप नीचे जो हर है, ये अंश है, ये हर है, हर का जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और क्यू बराबर 2n × 5n के फॉर्म में आए, जहां पर क्या है, जहां एम और एन जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक। देखिए यहां पर एम का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अब ऋणोत्तर पूर्णांक का को समझने में अगर परेशानी है तो ऋणोत्तर पूर्णांक को आप सीधा समझिए पूर्ण संख्या है। तो देखिए अब यहां पर एक बात हमको बताना है आपको कि अगर आप पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई परिमेय संख्या है और अगर आप क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्यू का प्राइम फैक्टर केवल 2 आए, केवल 5 आए और 2 और 5 दोनों आए, तब वो शांत दशमलव होगा। याद रखिएगा अगर आप पी बटा क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या को लिखे हैं, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है, तब वो शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावे अगर कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड जो है टपक पड़ता है उसमें, तब वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, तब वो अशांत आवर्ती हो जाएगा और आप बिना भाग दिए हुए भी उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आधारित भी कुछ प्रश्न है जो मैंने आपको इस पीडीएफ में सॉल्व करके दिया है, आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे कहूंगा कि इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, और मैंने और भी क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करके रखा है। देखिए अभ्यास प्रश्न भी मैंने आपको दिया है, देखिए इस चैप्टर से बहुत कम चांस होता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, सारे बोर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है और लघु उत्तर यानी शॉर्ट टाइप आंसर का भी क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है। आप निश्चित रूप से इन सारे प्रश्नों को हल कीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए नहीं आएंगे परीक्षा से, तो आप निश्चित रूप से अंक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आप इस वीडियो का लाभ उठाइए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गया गाइडेंस प्रोग्राम में जो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है इसको सफल बनाने का कार्य जो है प्रारंभ कर दीजिए आज से ही। धन्यवाद।